एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लॉक सदर में स्थित नारा गांव पड़ा। वर्तमान में गांव की प्रधान पिंकी सैनी हैं। लगभग 12,350 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। लगभग 7700 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 1700 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 330 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 55 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 500 विद्युत पोल, 9 विद्युत ट्रांसफार्मर, 20 सोलर लाइट व 20 स्ट्रीट लाइट भी गाँव में लगवाई गयी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 25 सीसी टाइल्स रोड, 29 आरसीसी रोड, 20 खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 250 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गाँव में सीसी टाइल्स रोड, बारात घर, पानी निकासी के लिए नाला, शमशान घाट की बाउंड्री व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 9 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम नरा से वीरेंद्र कुमार सैनी प्रधानपति और जिला मुजफ्फरनगर विकासखंड सदर थाना मंसूरपुर तहसील सदर। हमने जो अपने गांव में विकास कार्य कराया उसमें जो है लगभग 325 शौचालय हैं जो लगभग 250 के आसपास बन चुके, कुछ में अभी काम जारी है और सीसी और इंटरलॉक जिसमें लगभग सीसी 35 के आसपास और इंटरलॉक भी लगभग 25-30 के आसपास बनवा चुके। और हमारे गांव में जो मुख्य समस्या है वो है गंदे नाले की, जिससे हमारे गांव के लोग बड़े परेशान हैं पानी को लेके। उसकी वजह से जो है पानी दूषित है, कैंसर पीड़ित, टीबी और इस तरीके के रोग जो है गांव में बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं और नलकों का पानी, टंकी का पानी जिसकी वजह से ख़राब हो चुका है। हमारी मुख्य समस्या यही है कि हमारे इस गंदे नाले के बारे में जो भी प्रोसेस हो सके ये बंद हो या इसमें पाइपों में पानी चले, ये मुख्य समस्या हमारी है। और एक समस्या हमारे यहाँ है जो शमशान घाट है, हमारे यहाँ 26 बीघे के लगभग का शमशान घाट है और उसमें हम चाहते हैं उसकी बाउंड्री वाल और उसमें 2 कमरे ताकि लकड़ी वगैरह का रखने का हम हिसाब किताब बना सके और एक समरसेबल वगैरह बैठने के लिए सीट। और उसके अलावा जो हमने गांव में काम कराया वो ये भी है कि 20 स्ट्रीट लाइट लगवाई हैं और 20 ही सोलर लाइटें लगवाई हैं। हमारे यहाँ जो है 6 आवास हमने पास करा दिए हैं और 4 आवास लगभग जो पात्र श्रेणी के हैं हम उनमें भी जो है कोशिश करेंगे कि वो पात्र बन जाए, क्योंकि वो हैं तो गरीब स्थिति के पर लेकिन वो 4 दीवारी जो उनकी ईंटों की बनी हुई है इसलिए वो अपात्र श्रेणी में है, पर लेकिन है कंडीशन उनकी जो है बहुत ख़राब होने के कारण वो पात्र श्रेणी में 4 आवासों की और ज़रूरत है।